हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन चुप क्यों हैं। अगर हमारी रीडिंग में भी आ रहा है कि वो एक्शन लेने वाले हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम रीज़न ढूंढते हैं आज कि आपके पर्सन चुप क्यों हैं, क्यों उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, राइट? तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, सीधा पर ध्यान नहीं देना है। रीडिंग जर्नल है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, वो फ्री नहीं है, ठीक है? तो जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो आप सोचोगे अपने पर्सन के बारे में। पॉजिटिव रखना, अपने आप को रखना है, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है कि उसने मुझे ब्लॉक किया है, उसकी तो ऐसी तैसी होनी चाहिए, उसका ये होना चाहिए। मैंने पीछे वीडियो डाली थी ना, आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। तो किसी ने लिखा था कि अच्छा ही हुआ, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। तो ये प्यार कैसा है? ये प्यार नहीं है, ठीक है? आप उसको कर्ज कर रहे हो। आप आगे बढ़ो, जो होगा वो देख लेगा, वो यूनिवर्स देख रहे हैं। इस चीज़ को आपने प्रमोट नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सोचिए अपने पर्सन के बारे में, फोकस कीजिए। चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? उनके बारे में सोचना है, अच्छी अच्छी बातों को सोचना है। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिस पर्सन के बारे में अभी इस समय सोच रहे हैं, उनके उस पर्सन का क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो चुप क्यों हैं, वो किसी भी बात का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं, गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को। तो देखते हैं क्या आता है। कंफ्यूजन चल रहा है उनकी लाइफ में। रीडिंग जर्नल है तो थीटा पर आपने ध्यान नहीं देना है, ओपन माइंडेड होकर आपने इस रीडिंग को देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे। जो नए सब्सक्राइबर हैं उन सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 पे। मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, चलो देखते हैं क्या आता है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल, 8 और 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? टावर, पहले हम कार्ड्स लगा लेते हैं। 8, 9, 10 में भी आपको 10 10 नंबर बहुत दिखता होगा। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, बहुत प्यार है उनके दिल में। यस, द हेरोफ्रेंट, या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आपके पर्सन की कहीं बातचीत चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशन में। जस्टिस देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, डोंट वरी, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं अभी इनको सेटल कर देती हूँ। 5 नंबर 2 बार आया है तो 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर 2 बार आया है, 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो देख लीजिएगा। एम्परर, ओके, वाओ, सी, फिर से कपल कार्ड आया है, एम्प्रेस एम्परर। आपके पर्सन आपके पास आएंगे लेकिन मेरे को जो सिनेरियो दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 सिनेरियो दिख रहे हैं कि अभी वो चुप क्यों हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या तो फिर आपके पर्सन की कहीं शादी की बात चल रही है। ओके, क्योंकि फैमिली कार्ड भी आया है, द हेरोफेंट भी आया है, ठीक है? तो अभी देखते हैं स्नैरियो क्या है। आई होप आपको विजिबल हैं सारे के सारे कार्ड। ओके, चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ वैंड्स, राइट? तो चलें अब हम बात करते हैं कि आपके पर्सन चुप क्यों है, क्या कारण है कि
कि वो चुप हैं। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स आया है, तो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन की लाइफ में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन चुप ज़रूर हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी अच्छे घर से हो, आप काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियली स्टेटस हो वो काफ़ी हाई हो, जिसके कारण आपके पर्सन, जो मैं बोल रही थी कि मेरे को दो सिनेरियो दिख रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को, ठीक है, आपके सामने छोटा महसूस करते हैं कि मैं तो उसके काबिल नहीं हूँ, या मैं तो उसके काबिल नहीं हूँ, मुझे उसके काबिल बनना है। अपने आप को काबिल बनाने के लिए बहुत सारा बर्डन उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है, बहुत सारा काम करते हैं, अपने ऊपर बर्डन ले रखा है आप तक अप्रोच करने के लिए, आपके लेवल के लेवल पे होने के लिए। वो काफ़ी काम कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। आपके पर्सन या तो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं और रहते हैं, या सिटी हो सकती है अलग, आपका कंट्री अलग हो सकती है। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। मेरे को ऐसा लगता है कि मनी से रिलेटेड आप काफ़ी स्ट्रांग हो। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशन के ऊपर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल में आप ही आप हो, बहुत मिस करते हैं, किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। वो चुप हैं क्योंकि वो, उनको पता है कि आप एक अच्छी फैमिली से हो, वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, वो आपकी हर विश को पूरा करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स आया है, वो आपकी हर एक विश को पूरा करना चाहते हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके बिना उदास बहुत हैं, आपके लेवल पे आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बराबर नहीं हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके लेवल पे आने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके बिना उदास भी बहुत है। पांच नंबर भी दो बार आया है, तो पांच नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तीन नंबर तीन बार आया है, तो तीन नंबर आप, हो सकता है 3 months हो गए हों, 3 years हो गए हों अलग हुए। आपके पर्सन अपने आप को सेट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली, कि आपका लेवल इतना है तो मुझे उससे भी ऊपर जाना है, क्योंकि आपको वो दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। जब आप दोनों कॉन्टैक्ट में थे तो आपके पर्सन ने काफ़ी ऑन ऑफ किया था, वो कभी आते थे कभी चले जाते थे, कभी आते थे चले जाते थे, लेकिन अभी आपको वो एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं कि आपको पूरे दुनिया की सैर कराऊं, आपको अपनी फैमिली में लेके आना चाहते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल उनकी पोजीशन है उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं। जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाते, वो अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये था हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कास्ट हो सकती है, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, तभी वो आपको इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी खुद की एक फैमिली है, लेकिन आज भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको चेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। सेकंड, जैसे एम्परर कार्ड आया है, ठीक है, हो सकता है कि उनकी, आप दोनों के रिलेशन में फैमिली काफ़ी इन्वॉल्व हो। टेन ऑफ कप्स आया है, फैमिली कार्ड आया है, मेरे को यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली लग रही है, जिसके कारण आपके जो पर्सन है आपको छोड़ के गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हों, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो उनको कंट्रोल करता है, कोई ऐसा फादर फिगर या मदर फिगर हो सकते हैं जिनसे वो बहुत डरते हैं। ठीक है, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाता हूँ, अगर वो मैरिड नहीं है, आपके रिलेशन में फैमिली इन्वॉल्व है, तो वो सब कुछ सोच रहे हैं, अगर मैं अपने पेरेंट्स से अलग होता हूँ, उनके खिलाफ होकर शादी करता हूँ, तो मेरे को, मैं फाइनेंशली क्या स्ट्रांग रह पाऊँगा, क्या मैं उसको वो सारे सुख दे पाऊँगी, क्या मैं उसके लिए स्टैंड कर पाऊँगा,
ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ना वो उनको चुप करा देते हैं, वो एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। मे बी वो तभी अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पहले मुझे इस इशू के बारे में अच्छे से सोचना है, आपको एक स्टेबिलिटी देनी है। ठीक है, वो काफ़ी सोच रहे हैं, वो इसलिए भी चुप हैं कि क्योंकि वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो नेक्स्ट एक्शन तब तक नहीं लेंगे जब तक वो अपने आप को आपके काबिल नहीं बना लेते, जिसके कारण वो चुप हैं। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, वो सिर्फ एंगेजमेंट करेंगे, आपको कोई शादी का प्रॉमिस नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि अगर मैं उसके साथ शादी करूँ तो उसको दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाऊँ। इस रिलेशन के ऊपर वो काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर बहुत बर्डन लेके बैठे हैं। अगर वो घर में बड़े हैं तब भी उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की, बाहर की, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जिसके कारण भी वो बहुत उदास हैं। वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपको हर एक खुशी देना। वो तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक वो आपके लेवल पे नहीं आ जाते। थ्री ऑफ स्वॉर्ड आया है, ओके, एक्शन कार्ड है, वो एक्शन लेंगे लेकिन अभी टाइम लेंगे। जैसे थ्री नंबर तीन बार आया है तो हो सकता है आने वाले थ्री नंबर यहाँ पर भी है, आने वाले थ्री मंथ्स के अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ भी पेंटिकल का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करना चाहते हैं और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ताकि अगर आप उनकी लाइफ में आते हो तो आपको वो एक रानी की तरह रखें, एक एम्प्रेस की तरह, एक राजे की तरह। वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, बहुत सारी खुशियां आपके साथ देखते हैं। तो यही कारण है कि आपके पर्सन अभी तक चुप हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आएंगे लेकिन आपके साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन शादी का कमिटमेंट देने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। उसी देख लेते हैं आपके पर्सन के कि अभी वो आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल और दिमाग में। काफ़ी अपने आप को उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, बहुत सी बातें हैं आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, कर नहीं पा रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ, उनको रिजेक्शन का भी डर है, उनको डर लगता है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट नहीं कर दो। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, मैंने कहा ना वो आपके लेवल पे आना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स आया है, वो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टिव टू यू, उनको काफ़ी अट्रैक्शन है आपको लेकर। वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए डरते हैं, इसीलिए वो चुप हैं, क्योंकि वो आपके लेवल पे आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये ना हो मैं अपनी फैमिली से लड़के आप तक अप्रोच भी करूं और मैं आपको वो खुशी नहीं दे पाऊं जिसके जो कि हमारे झगड़े का कारण बने। ठीक है, वो आपके साथ बच्चे देखते हैं, फैमिली कार्ड आया है टेन ऑफ, वो आपके साथ बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं, आपको अपनी फैमिली में लेके आना चाहते हैं। उनसे वेट नहीं हो पा रही है कि कब वो आप दोनों एक साथ रहना शुरू करोगे, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, वो आपको खोने से डरते हैं, वो सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो अभी मैसअप हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, वो आपको मिलेंगे, आपसे एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड कमिटमेंट के लिए वो अपने आप को आपके लेवल तक लेके आना चाहते हैं। ठीक है, अब हम एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है तो आपने YT पे जो स्पीड है, प्लेबैक स्पीड, आप उसको बढ़ा के उसको देख सकते हो। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है कि आपका दिल क्या कहता है। अपने दिल को, दिल जो आपका कहता है उसके बारे में आप सोचिए। ठीक है, आप जल्दी से बप्पा की गाइडेंस ले लेते हैं। कई बार होता है ना, हम कुछ जैसे हम कहते हैं कि आज मार्केट हो आए, लेकिन अंदर से दिल की आवाज़ आती, छोड़ यार क्या करना है, बहुत गर्मी है, घर में बैठ आराम कर। तो क्या करते हैं हम, फिर अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। तो आपको ऐसे ही आपका दिल आपको क्या कहता है वो आपको सुनना है। आई होप आपने प्रेयर कर ली होगी। बप्पा प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि उनको इस समय क्या करने की ज़रूरत है। पकड़िए उन मेरे व्यूवर्स का हाथ और उनको गाइड कर दीजिए। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कौन सा कार्ड आता है।
ओके, क्लियर योर एनर्जी, 16 नंबर, 7 नंबर हो गया ना, ठीक है। तो पापा आपको बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को क्लियर रखिए। एनर्जी को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? हम नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं कि उसने तो ब्लॉक किया है, वो वापस आएगा ही नहीं, नहीं वो मुझसे शादी करेगा ही नहीं, वो मुझसे दूर चली गई है, ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी है हमारे आसपास उसको हम ख़त्म करेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे और इस एनर्जी को क्लेम करेंगे। आपके पर्सन तभी आपके पास वापस आएंगे जब आप खुद हील हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आप रो रहे हो, जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आपके पर्सन आपके पास वापस नहीं आएंगे, ठीक है। आप हील हो जाओगे तो आपके पर्सन को भी थोड़ी सी हौसला हो जाएगा कि हाँ ये अभी मुझसे प्यार करता है या करती है, ये मेरी वेट करेगी और मुझे आगे बढ़ने में मेरा साथ देगा, ठीक है। तो पापा आपको बोल रहे हैं अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, जो भी नेगेटिव थॉट है आपके इर्द-गिर्द, नेगेटिव लोग हैं उनको दूर कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो थोड़े से हम इनिशियल्स देख लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है। नंबर 9, W, के ओ, के है, देख लीजिएगा के से कितना किसका नाम बनता है। U है, T है, जी है, ओ है, 90 का बर्थ हो सकता है, 00 है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। 3 नंबर फिर से आया है, तो आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। एम है, ओके, गुड मॉर्निंग भेजी है आपको। नंबर 4 है, 34 आपकी एज हो सकती है या आपके पर्सन की एज हो सकती है, ठीक है। तो ये तो थी आपके कि आपके पर्सन अभी इस समय चुप क्यों हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को आपके काबिल बनाने में लगे हुए हैं, तो उनका साथ दीजिए, उनको लव वाइब्रेशंस भेजिए, उनको स्ट्रेंथ सेंड कीजिए, ठीक है। आप उनको मेडिटेशन के दौरान स्ट्रेंथ भेज सकते हैं, रात को सोने से पहले यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आपने बोलना है, ठीक है। अगर कुछ भी यहाँ पे बना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। 3 नंबर आया है तो हो सकता है आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपका वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। सो आपने पॉजिटिव रहना है, उनको कर्स नहीं करना है, उनका वेट करना है और यूनिवर्स से आपने करनी है प्रेयर। जैसे पापा ने भी बोला है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जब वो आपसे बात करें तो पहले उनकी बात सुन लीजिए, ठीक है। सामने वाले को मौका दीजिए बात करने का, उनकी बात सुन लीजिए, देखिए वो क्या कहते हैं। ये नहीं कि वो आए और आप लड़ाई शुरू कर दो, झगड़ा शुरू कर दो, तुमने मुझे ब्लॉक किया, ये वो फलाना ढिमकाना, ये आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। जब वो आपके पास आते हैं ध्यान से उनकी बात सुनिए, ठीक है। फिर जैसे ये कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली बात कीजिए उनसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं, कितना टाइम चाहिए। हो सकता है 3 मंथ्स के अंदर ही आपकी एंगेजमेंट हो जाए आने वाले समय में, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके पर्सन आपसे अभी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, चुप क्यों हैं, क्या चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपके साथ एंगेजमेंट करेंगे, लेकिन शादी की कमिटमेंट तब देंगे जब वो पूरी तरह से एक सॉलिड आपके लेवल पे आ जाएंगे, एक सॉलिड पोजीशन पे होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपना खूब सारा ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।